आज क्या स्पेशल बनाया जसू? दो शब्द अपनी। खाना वाना खाने के बाद आज हमारे यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है जिससे और अब ये और तेज हो गई है। थोड़ी देर में यहाँ पे धोला हो जाएगा सब कुछ, वाइट एंड वाइट। देखते हैं थोड़ी देर में यहाँ पे क्या हालात रहते हैं। सुबह मैंने दिखाया था बाहर बर्फ गिरी हुई थी और अब देखो कितना अच्छी गांव निकला हुआ है। बर्फ का अता पता नहीं है। अच्छे गांव में तुम क्या करके आए? अच्छे गांव में हम रनिंग करके आए और अब हम खाएंगे कड्डी रोटी। आज क्या स्पेशल बना है जसू खाने के लिए? आज है स्पेशल कड़ी। कड़ी और चावल बने थे लेकिन मेरे को कड़ी रोटी के साथ पसंद है तो मेरी भाभी जी ने स्पेशल रोटी बना दी। स्पेशल रोटी ये है कड़ी। कड़ी विद घी नजर आ गया थोड़ा। ओह कसूती टेस्टी है भाई। ईशो की गिर दियो। खट्टी खट्टी कड़ी होगी तो खट्टा ही होगा। दो शब्द अपनी कड़ी के लिए। टेस्ट करो और बताओ कैसी बनी है। थोड़ा सा तेज बोलो मेरे व्यूअर्स को, इतनी धीरे आवाज में अच्छा नहीं लगता सुनने में। टेस्ट करो और बताओ कैसी बनी है। ओके अभी टेस्ट करके अभी बता देते हैं। ये कड़ी देख के पानी आ रहा और पानी से मेरी प्यास बुझ रही है और भूख भी मर रही है। कितना दिन पास कड़ी खाई है ना? दबाते ही बनवाता हूँ। अब की बात है प्राण तो थे गुस्सा ना मिले। चूल्हे पे कड़ी बनी थी क्या? तो हमारे घर में चूल्हा थोड़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग चूल्हा पे तो कुछ ना बना था। अगर लॉकडाउन में हम जाएं और कहें कि हम खाली चूल्हा चूल्हा यूज करेंगे मिलेंगे नहीं किसी से, ऐसा हो सकता है क्या? खाना वाना खाने के बाद अब जसू यहाँ क्या बैठ गया, आगे शीशा लेके बैठा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है यूके में कितने वीक का लॉकडाउन है, 6 हफ्ते का। तो तीसरा लॉकडाउन लग गया है, वो भी 6 वीक का लॉकडाउन लग गया है। और अब बाल नहीं कटा सकते, ओनली एसेंशियल खुले हैं। तो आज जस्सू को बाल कटाने की नौबत आ गई है। पहले 1 महीने का लॉकडाउन था ना, तब नहीं कटा पाया। फिर मैं सोचा क्रिसमस की छुट्टियों में जाके कटाता हूँ। तब ये आज ये जितने भी बाल दिख रहे हैं ये सारे चले जाएंगे क्योंकि इस पे सिर्फ मेरे पास है ये मशीन। तो इस पे एक ही नंबर है, कोई और नंबर है नहीं। तो जैसे कि आपने पहले भी मेरी एक सांगवान स्टूडियो में बनाई थी हमने एक वीडियो, उस पे मैंने सब का बाल काटे थे। तब मैंने अपना ये औजार यूज नहीं किया था, आज मैं ये अपना ये औजार। पिछली बार जब बच्चर का मारा था मैं जाके 3 महीना ठीक हुआ था। आप देखो तो आजकल तो कोई पूछ भी नहीं रहा ना, क्योंकि जैसे अभी आप किसी से बोलो कि मैंने खुद ने काटे हैं यूके में, तो क्योंकि सबके बाल ऐसे ही हैं। मैं मेरे काम पे भी जो बंदे आ रहे हैं ना उनके बाल किसी के यहाँ बुच्चर का लगा हुआ है यहाँ लगा हुआ है, तो उनसे पूछो भाई तेरे बुच्चर का लगा हुआ है, तो कहेगा मैंने अपने आप ही काटे हैं। तो जैसे मैं अपने आप नहीं लेकिन मेरे को पड़ रहे हैं। कोई नहीं ऑल विल बी गुड। तो आप देखते रहिए मैं अभी कैसे बाल काटता हूँ, और ये एक स्किल है जो सबको आनी चाहिए। भी लोग अपने खुद के बाल भी काट लेते हैं, मैं खुद के तो नहीं काट पाता लेकिन दूसरों के काट देता हूँ। सॉरी इतना नहीं गया पानी, प्रॉपर नाई की डाल करेगा। गरम लग गया कदम ठंडा लग गया, कर दे कार्रवाई। रेडिएटर चलाया है, थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया। ये है मेरा बाल कटने से पहले का नजारा, उसके बाद देखना और बताना कैसे काटे हैं तुम्हारे यूट्यूबर ने। तो अब देख ले मेरे पास वो तो था नहीं स्प्रे बोतल, तो मैंने ये जुगाड़ बिठाया है। स्प्रे भी है बोतल भी है। गरम तो हो गया पानी? पानी तो मजा आ रहा है क्या? ये तो ठंडा है। ठंडा लग रहा है एक बार क्यों लग रहा है? ये नलका बताओ है मसाज करते हैं वैसे। ओहो ये समझ आओ रे।
मसाज ये ज्यादातर ऐसे इसलिए होती है तब जीरो नंबर मारते हो ना हम बस जीरो जीरो नंबर मार देते हैं बाल ऐसे आएंगे टोपी पहन ली अगला लॉकडाउन तो ही फिर लॉकडाउन आया होगा बाल नहीं आऊंगे कंगी 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 भी एंडी ले रहा दिखाए ऐसा क्या तो कती नहीं आ रही है मैंने आज तक कंगी करी नहीं बालों में तो मेरे बाल ऐसे रहते हैं जैसे कंगी कर रखी है तेरे डैंड्रफ है अच्छा है तू मेरे से जीरो नंबर वाला है डैंड्रफ तो मेरा ना होना चाहिए सच्ची बात है है ये तो उसकी वजह से आ गया होगा काफी है यार इसमें तो बहुत छोटे हो जाएंगे कौन सा नंबर लगा रखा है तूने पांच है अभी आए तो कौन मैं है आज कुछ करो नहीं क्या करते बुद्धि नीचे कर ले बुद्धि तो नीचे क्या कर ले बुद्धि तो वही है तो बुद्धि में नीचे करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं जो मार दूँगा ज़्यादा दिमाग खराब करेगा दो तो भाई कटिंग पूरी हो गई है अब किसी को पता चलेगी इसकी कोई कटिंग हुई है तो मेरे को भी बता देना और कैसी हुई है मैं भी दिखा देता हूँ एक मिनट मेरे को अच्छी लग रही है तुम आगे करियो बचर का तो बचर के देख लो कितने लगे हुए हैं और कोई बता नहीं सकता पता ही नहीं चल रहा उधर तूने वो रेजर वेजर का यूज करा नहीं रेजर वेजर नहीं यूज करता अब मेरे को इतनी डिग्री ठीक है तो ये आज मैंने इसकी कटिंग कर दी है मेरी कटिंग में पहले करवाया हुआ था तो अब ये सफाई करनी पड़ेगी लॉकडाउन में ऐसे घर में जा बैठ के कटिंग करनी पड़ती है भाई देख लो तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली कटिंग के पैसे लेते हैं 12 पाउंड यूके में और मैंने इसकी आधे घंटे में फ्री में करी है घर में 12 और ये मेरे को पूछ रहा है कह रहा है कि 12 मेरे को दे मैं तेरे से बाल कटा रहा हूँ तो ये क्या बात है भाई मैं अपना एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ इससे एक्सपेरिमेंट के नाम पे तुम शरीफ फ्लेवर ले रहे हैं अच्छी है कटिंग वैसे ठीक है दो दिन में सारे बराबर हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कहाँ बुचर का लगा था कहाँ नहीं लगा था तो घर में कटिंग करने का यही सब स्वाद है दो दिन में सारे कटिंग शटिंग बराबर चलो अब नहाया जाएगा मैं भी नहीं नहाया दो दिन से तो दो दिन तो बताऊं नहीं तो मैं क्या करूं भाई मेरे पास मेरे को मैं बताऊं इतना टाइम ही नहीं लगा है कभी वीडियो बनाओ एडिटिंग करो जॉब पे जाओ बाल भी काटो घर में आके तो ये काम भी करने पड़ते हैं अब ये कोई मुझसे पूछे पजामा पहन के बैठा ही क्यों था यहाँ पे तो जलील किया करूं वो कहते हैं कुछ बनाओ ना कुछ नया डालो तो मैं नया डालने की कोशिश कर रहा था मैं